for fucking Migo double G. Snoop Dogg. Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. तो friends, आज की वीडियो में हम फिर से कुछ स्पेशल करने वाले हैं एंड कुछ सुपर डुपर करने वाले हैं. एंड आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार आज मैं क्या करने वाली हूँ. मैं कुछ अतरंगी काम करने वाली हूँ. मतलब मैंने सोचा है कि यार मैं जिस चीज को खाती हूँ आज मैं उससे पेंट करने वाली हूँ. यार आप सोच रहे हो क्या इसके घर में कलर की कमी हो गई होगी क्या? लेकिन नहीं यार, कलर की कमी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आया एंड मैंने सोचा क्यों ना आज इसे क्रिएट करके देख लेते हैं. तो आज हम यार हल्दी से पेंटिंग बनाने वाले हैं. हल्दी तो आप जानते ही हो, हल्दी हम दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो वो वाली हल्दी से आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ. तो आप देख सकते हो ये हल्दी का पैकेट है जिसको निकाल के आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ. एंड आज मैं इस हल्दी से रामलला बनाने वाली हूँ. तो यार ये हल्दी जल्दी से मैं सोच रही हूँ पैकेट में से निकाल लूँ. एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम आइडिया है. एंड आप सोच भी नहीं सकते हो कि आज मैं हल्दी से रामलला जी को बनाने वाली हूँ. तो यार आज मैं हल्दी से सुपर डुपर पेंटिंग बनाने वाली हूँ और वो भी रामलला की एंड अपने राम जी की पेंटिंग बनाने वाली हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं हल्दी से राम जी की पेंटिंग बनाने वाली हूँ. तो ये बहुत ही नाइस आइडिया है. एंड आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो एंड आप भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हो. तो ये बहुत ही गजब की बात है कि यार हल्दी से रामलला जी को बनाया जाए. तो आप चाहो तो किसी और इंग्रेडिएंट से भी बना सकते हो एंड आप चाहो तो हल्दी से कुछ और भी बना सकते हो. ये आपकी इच्छा है कि आप क्या बनाना चाहते हो. तो फाइनली मैंने सोचा है कि आज हम हल्दी से रामलला को बनाएंगे एंड आज हम राम जी को बनाएंगे. तो मुझे यार सच में बहुत खुशी है कि यार अयोध्या का मंदिर रेडी हो गया है एंड अब हम रामलला के दर्शन कर सकते हैं एंड मुझे बहुत खुशी है इस बात की. तो फ्रेंड्स यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार किसने अयोध्या जाके अभी तक राम जी के दर्शन कर लिए हैं. अगर कर लिए हैं तो यार ज़रूर जय श्री राम लिख देना कमेंट सेक्शन में. ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप जय श्री राम लिखते हो कमेंट सेक्शन में. बस आपको जय श्री राम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड बहुत ही गजब की बात है. तो फ्रेंड्स मैं इस तरह के नए नए काम करती रहती हूँ एंड मुझे यार ये सब काम करने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है. तो मैं सोचती हूँ कि यार मैंने सोचा है तो यार इसे क्रिएट कर ही लेते हैं यार. तो मैं उसे क्रिएट ज़रूर करती हूँ. तो यार आप भी नई नई चीज़ें क्रिएट कर लिया करो एंड इसी तरह से यार मेरे साथ शेयर भी कर लिया करो. अगर आपके दिमाग में कुछ भी नया आइडिया आता है तो यार ज़रूर मेरे साथ शेयर कर लिया करो. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइज. अगर नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड फटाफट यार हल्दी से पेंटिंग करने की तैयारी कर लो यार. एंड आपको मैं हल्दी लगाने को नहीं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ हल्दी से पेंटिंग करनी है. एंड आज हम रामलला की पेंटिंग बनाने वाले हैं हल्दी से. तो चलो देखते हैं कि आज हम रामलला की पेंटिंग कैसे बनाएंगे, वो भी हल्दी से. एंड मैंने इसको बनाने के लिए कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है. मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए ज़रा भी कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ एंड ज़रा भी मैं कलर यूज़ नहीं करूँगी. एंड मैं इसको सिर्फ ड्रॉ करूँगी एंड हल्दी से पेंट करूँगी. तो मुझे खुद नहीं पता कि यार आज मैं क्या करने वाली हूँ क्योंकि यार मेरे दिमाग में ऐसे रैंडम आइडियाज़ आते हैं एंड मैं रैंडमली ही क्रिएट करती रहती हूँ. तो यार मुझे सच में नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, लेकिन यार मैंने सोचा है करना है तो करना ही है. एंड मैंने ये मुद्दा उठाया है तो मैं इस मुद्दे को जरूर पूरा करूँगी एंड आज मैं राम जी को बना के रहूँगी. एंड इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी जय श्री राम, जय श्री राम. तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स मूव टू द वीडियो. तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. तो एंड देखते हैं कि आज हम राम जी को कैसे बनाने वाले हैं एंड वो भी हल्दी से. लेट्स सी. Thank you.
फ्रेंड्स फाइनली वी आर डन विद आवर वर्क। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से राम जी को बना लिया है एंड वो भी हल्दी से बनाया है एंड ये बनाने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा मुझे मजा भी आया। एंड आप चाहो तो इससे और भी चीजें क्रिएट कर सकते हो, आप हल्दी से चाहो तो सीनरी बना सकते हो, आप हल्दी से चाहो तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में यार ड्राइंग आ रही है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो। एंड आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा एंड ये हल्दी से राम जी कैसे लगे यार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें बहुत मेहनत भी लगती है एंड यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में यार, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा एंड जय श्री राम जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने ये रामलीला की ये पेंटिंग बनाई है हल्दी से। तो ये मैंने हल्दी से राम जी बनाए हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सोच रही हूँ क्यों ना मैं ऐसे फ्रेम करा के अपने घर में डेकोरेट करूँ, तो शायद मैं ऐसे फ्रेम करा के अपने घर में जरूर डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा आज का तरीका बनाने का। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ करेंगे धमाल एंड फिर करेंगे कुछ सुपर डुपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।